नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गगन ऑटो। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज मेरे पास आई है TVS की स्पोर्ट बाइक, FI वाले वेरिएंट है और केवल 5-6 महीने पुरानी यह बाइक है। देखा जाए थ्रू के तौर पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है ETFI फ्यूल इंजेक्शन, साथ में थ्रोटल भी इन्वर्ट है, जिससे आप समझ गए होंगे ये BS6 की FI वाली वेरियंट है। तो इस बाइक में प्रॉब्लम आया है, वो आया है इंजन से एक साउंड आ रहा है। कस्टमर भाई कह रहे हैं इसे इंजन से कभी कभार ऐसा साउंड आता है, पता नहीं किसका है। तो देखते हैं भाई, साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अभी वीडियो के अंदर। भाई बाइक को करते हैं पहले स्टार्ट, करो भाई बाइक को स्टार्ट। भाई बाइक कर दी इन्होंने स्टार्ट। देखो इधर से आपको कहीं पर साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, देखो इधर से अब इधर दे सकते हैं आपको, इधर देखो अब आपको कहीं पर साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन अभी इसे उधर की राइट साइड जुगाते हैं, देखो गाड़ी को राइट साइड ये भाई जुगा रहे हैं और देखो आवाज़ इंजन से चालू हो जाएगी। यहाँ से अंदर से कहीं से साउंड आता है, इधर झुका के देखते हैं अब, कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है। देखो अभी नहीं आ रहा है और कभी कभार आना चालू हो जाता है। देखो देखो आवाज़ आज हम चालू होगी, ऐसे आवाज आ रही है इस इंजन के अंदर। तो सबसे पहले हम ये जो टॉप प्लेट है इसके 8mm के दोनों बोल्ट है, इन्हें ओपन करते हैं। देखो आवाज़ आ रहा आना चालू होगी, तो इसे ओपन करके अभी देखते हैं क्या है, हमारी टाइमिंग चेन लूज तो नहीं है या फिर इसके नट कोई ढीला तो नहीं है। तो सबसे पहले इसके टॉप प्लेट को खोलते हैं। देखो कई साउंड है, कभी आता है कभी नहीं आता है, अब देखो कितना साउंड बोल रहा है। तो भाई ये 8mm के दो बोल्टों को ओपन करो। दोस्तों गाड़ी के लिए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कम से कम 5-6 महीने हुए हैं और देखो 5-6 महीने के अंदर में इंजन से आवाज़ आना चालू हो गई। भाई ये तो FI गाड़ी है, जो मेरी समझ में नहीं आता भाई इंजन किस प्रकार से बनाया है, पता नहीं इसमें थोड़ी बहुत कंपनी वाले की इसमें बनावे में कोई ना कोई मिस्टिंग हुई है। भाई से करो, टॉप प्लेट को बाहर करो। इसे बाहर करते हैं अभी, दिक्कत थी बाहर। ये दो तो दोस्तों बोल्ट तो अभी लूज नहीं है क्योंकि इसमें जो लॉक पत्ती है वो टाइट है। तो सबसे पहले इसे लॉक पत्ती के इस पॉकेट को खोल के देखते हैं, थोड़ा इसमें प्रीपिल तो नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हमें इस पॉकेट का ये टाइमिंग है वो मिला लेते हैं। ये जो निशान देख पा रहे हैं इस पर कट का निशान है, ये वाला कट का निशान, ये वाला और इस पॉकेट में ये निशान, ये दोनों सीट पे होने चाहिए। और इन्हें अभी बोल्टों को करते हैं ओपन। दोस्तों ये दोनों बोल्टों को हमने खोल लिया और इसमें इस पॉकेट को निकालते हैं अभी बाहर। क्या निकाल लें, कैमरा ना दबा रहा था, ये आता है जो सी आराम आराम से, ये अभी गर्म है गाड़ी इसलिए। साउंड तो वैसे यहीं से आ रहा था, अभी इसे ओपन करते हैं देखते हैं भाई यहीं से है क्या प्रॉब्लम। ये तो न्यू कंपनी है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा निकलने में, साथ में इंजन हीट भी है। Thank you.
ओहो देखो दोस्तों इसके अंदर ये क्या हो रहा है, ये नट ये ब्लॉक कट गया, साथ में रॉक पट्टी है ये भी कट गई है। जब भी यार कंपनी वालों ने ये इंजन फिट किया है, जहाँ पे इंजन बनता है वहाँ पे कंपनी वाले ने फिट किया है तो वो सही तरीके से फिटिंग नहीं हुआ है। देखो इसकी ये पट्टी, इसकी ये पट्टी देखो, ये बोल्ट कितना कट गया है ये वाला, और ये साथ में ये पट्टी देख पा रहे हैं क्या हुआ ये। भाई इसमें बताओ कितने इंजीनियर लगे होते हैं, कितनी ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, फिर भी यार इंजन को फिटिंग करने में इतना बताओ कितना बोल्ट लूज छोड़ दिया है। स्टार्ट करना चाहिए ना, ये कंपनी वाली गलती है। लेकिन ये जो कस्टमर भाई हैं वो हमारे फ्रेंड हैं, इसलिए हमारे पास आए हैं, नहीं तो ये कंपनी ले जा रहे थे। मैंने बोल दिया ठीक है चलो हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम करेंगे बाहर, स्पॉट कर दिया है बाहर। और जब भी आपको इस पॉकेट खोलें तो ये जो देख पा रहे हैं इधर ये लगी हुई है पिन, ये वाली पिन, ये कहीं पर गिरे ना, इसलिए इसे आराम से किसी टूल की मदद से आप बाहर निकालें। अभी इंजन हीट है, हम प्लास की मदद से इसे बाहर निकालते हैं। ये पिन इसे बाहर निकाल लेते हैं, बोलो दोस्तों। इस बोल्ट को जब भी ओपन करें तो ये पत्ती का ध्यान रखें, कहीं नीचे नहीं चली जाए। अगर पत्ती खुल के नीचे चली जाती हो तो हमें मैग्नेट का पूरा प्रोसेस खोलना पड़ता है। साथ में ये नट ये देख पा रहे हैं, ये वाला नट देखो ये कितना है, और क्या कंडीशन कर दिया भाई। ये कंडीशन हुई है यहाँ पे जी, इस पॉकेट लग के चला है, ये टाइमिंग चेन वाला इस पॉकेट, ये वाला इसके साथ में ये टाइमिंग चेन दोनों लग के चली है इसमें। और ये रही इसकी पत्ती, टेंशनर पत्ती जिसे लॉक पत्ती बोलते हैं, बालों की रॉकर की जो रोड़ा होती है ना, लॉक करने वाली पत्ती, लॉक पत्ती। ये रही देखो क्या हुआ इसका दोस्तों, उससे अभी हम बोल्ट को चेंज करेंगे और लॉक पत्ती को भी फिट करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं भाई। TVS का इंजन है वो फिटिंग करने में किसकी गलती है, कंपनी वाले की गलती है के और किसी की गलती है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।